फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक पे अपना अकाउंट कैसे खोलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो काफ़ी सारे फायदे हैं और आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दे दिया जाता है जो कि बहुत ही बिल्कुल फ्री होता है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता। देखो, अलग अलग बैंक अकाउंट में अकाउंट खोल के रखने से फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी हमें बहुत सारे कैशबैक वाले ऑफर्स मिलते हैं। कुछ नंबर हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे मेन बैंक में रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन हम चाहते हैं कि उस नंबर पर भी कोई ना कोई बैंक रजिस्टर्ड हो, तो कोटक महिंद्रा एक अच्छा ऑप्शन था। आप इस पर ट्राई कर सकते हो और इस पर अकाउंट बना सकते हो, उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको आगे चल के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे अकाउंट में ओपन करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चाहते हो बहुत सारे ऑफर्स एंड अपडेट्स की जानकारी आपको पता चले तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एनके टेक्निकल गुरु के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। लिंक पे क्लिक करके आप इसे सीधे सिंपली वेबसाइट पे जाइएगा। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ओपन कर लेना, उसके बाद चाहे तो आप प्ले स्टोर से इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है पूरा प्रोसीजर आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सिंपली आपको इसे यहाँ रिडायरेक्ट हो जाएंगे कोटक महिंद्रा की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको चले जाना है और यहाँ पर जाकर के अपना अकाउंट जो है आपको क्रिएट कर लेना है। देखो, सिंपली कोटक 800811 वाली साइट पर आप चले जाएंगे। यहाँ पर अपना सबसे पहले फुल नेम लिखिएगा, उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे फटाफट से फिल कर देता हूँ। मैंने फटाफट से अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया, मोबाइल नंबर, नाम वगैरह सब चीज़ें डाल दिया। अकाउंट ओपन वाले सेक्शन पे मैंने टैप करना है। जैसे ही मैंने अकाउंट ओपन वाले सेक्शन पे मैंने क्लिक किया, मेरे नंबर पे एक ओटीपी आएगा। जो मैंने नंबर अभी रजिस्टर्ड किया है, जस्ट उस पर मुझे एक ओटीपी रिसीव होगा, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। ओटीपी मेरे पास यहाँ पे कोटक महिंद्रा की तरफ से, यहाँ पे मेरे पास ओटीपी मेरे को यहाँ से रिसीव हो चुका है। सिंपली जो मेरे को ओटीपी रिसीव हुआ, मुझे यहाँ पे वो फिल कर देना है। जैसे ही मैं ओटीपी यहाँ पे फिल करूँगा, नेक्स्ट वाले बटन पे मुझे टैप कर देना है। देखो, जैसे ही नेक्स्ट वाले बटन पे मैंने टैप किया, देखो सारी चीज़ें लिखा हुआ है, गेट रेडी टू कंप्लीट योर केवाईसी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी केवाईसी होने वाली है और केवाईसी करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए, ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए और स्मार्टफोन आपके पास तो है ही, और आपको वाइट पेपर, ब्लैंक पेपर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए होगी। तो सिंपली आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। देखो, सारा प्रोसेस आपको लाइव इस वीडियो में ओपन करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू हैव ए वगैरह, आपको आधार डिटेल चाहिए। तो भाई यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है कि आपकी जो आधार की डिटेल है वो कोटक महिंद्रा यूज़ कर सकता है, देख सकता है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, जैसे यस वाले बटन पर क्लिक करोगे थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस करेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन स्लो चल रहा है मेरे हिसाब से शायद, तो यहाँ पर चलते हैं अपन। और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर आएगा, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अब आपको कहा जा रहा है कि भैया अपनी योर डिटेल, यहाँ पे अपना एंटर पैन कार्ड नंबर और अपना आधार कार्ड नंबर, दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको एंटर कर देनी है। ठीक है, अभी मैं एंटर कर देता हूँ। सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है। सिंपली आप यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करूँगा। कुछ चीज़ें आपको ब्लर दिख रही होगी, प्राइवेसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे ब्लर किया हुआ है। नेक्स्ट वाले बटन पे मैंने टैप किया, टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर देना। तो जैसे ही आपने यहाँ पे अपना आधार कार्ड डिटेल वगैरह सब चीज़ें डालोगे, आपके जो आधार कार्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा, मतलब जो आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी डाल देना है आपको। ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है, मैं फटाफट से नेक्स्ट करके ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करके मैंने ओटीपी को फिल किया, आप लोग देखेंगे यहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। लिखा हुआ आ गया यार, प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर लिंक विद आधार नंबर। सिंपली यहाँ पे मेरे को कंटिन्यू कर देना मेरा मोबाइल नंबर डाल के। जैसे ही मैंने वो अपना आधार नंबर वाला मोबाइल नंबर डाला, उसके बाद मेरा एड्रेस वगैरह सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली मेरे को यहाँ पे दिख चुकी है। कंटिन्यू वाले बटन पे मुझे टैप कर देना। जैसे ही मुझे कंटिन्यू वाले बटन पे टैप कर देना, थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस चलेगा। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सारी डिटेल्स, मम्मी के नाम से मेरा अकाउंट है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। तो बस कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डाल देना है और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टैप कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे मैंने टैप किया, सेलेक्ट ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें बोली कह रहा है, तो मैं फटाफट से ये फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दी है और उसके बाद कह रहा है कि आपको नॉमिनी ऐड करना है, तो नॉमिनी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। सिंपली मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर देता हूँ, नॉमिनी का नाम वगैरह डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दी और कंटिन्यू वाले बटन पे मैं टैप कर देता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन को मुझे एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। ये सारी चीज़ें मेरे को दोबारा से रीचेक करने के लिए बोलेगा, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। आई एग्री वाले बटन पे आपको टैप कर देना। जैसे ही आप एग्री वाले बटन पे टैप करोगे, यहाँ पे बोला जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो, टर्म्स एंड कंडीशन फिर से एक बार एक्सेप्ट करवाएगा। सभी चीज़ें आपको पढ़ के रीड पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इतना कुछ खास नहीं है। केवाईसी के रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट लेटर है। सिंपली अभी यहाँ पे कह रहा है कि ऐड कम्युनिकेशन एड्रेस, तो सिंपली एड्रेस वगैरह डाल दीजिए फटाफट से। आई कन्फर्म वाले बटन पे मैंने टैप कर दिया। जैसे ही मैंने आई कन्फर्म वाले बटन पे टैप करा, सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बोलेगा यू मस्ट हैव टू अलाउ एक्सेस योर ऑर्डर विल बी योर वीडियो केवाईसी रिक्वेस्ट। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आपकी वीडियो केवाईसी के लिए कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना, अलाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना। डिस्कनेक्ट हो जाते हो तो प्लीज सेम ब्राउजर पेज पे बने रहिए, पेज को रिफ्रेश मत कीजिए, मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान में रखिए मैम, ये वीडियो केवाईसी प्रोसेस है, ये प्रोसेस के वक्त सिर्फ आप और मैं ही बात करेंगे, कोई तीसरा बात नहीं करेगा।
ओके सर, मैं अभी आपसे कुछ डिटेल्स कंफर्म करूंगी। ठीक है, ओके आप डॉक्यूमेंट्स पर देखकर बता सकते हैं। बस पूछिए। ओके, किसी को डॉक्यूमेंट्स पर देखकर बता सकते हैं, किसी से पूछेंगे नहीं और कोई बीच में बोलेगा नहीं। ओके ओके मैम। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कोटक महिंद्रा में मेरा जो अकाउंट है वो ओपन हो चुका है आफ्टर वीडियो केवाईसी। कुछ ही देर में अगर देखोगे तो आप सारी चीजें आपको यहाँ पे अपने अकाउंट प्रोफाइल में इस एप्लीकेशन में जाकर के सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। तो बस गाइस इसी तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो फटाफट से। मैंने सारी चीजें आपको इस वीडियो में लाइव दिखा दी है। वीडियो केवाईसी का भी कुछ पार्ट आपको पूरा नहीं दिखाया, कुछ पार्ट मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोटक महिंद्रा की ऐप है, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अकाउंट ओपन करने के बाद। जाइए फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ बाकी सारे दोस्तों के शेयर कर देंगे। और भी चैनल पे वीडियो आएंगे जिनमें मैं काफी सारे अलग अलग बैंकों को मैं अकाउंट ओपन करने के बारे में जानकारी दूंगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।